20 साल पहले की बात है जब ये घटना हुई थी। उस समय एक लाइट मशीन गन की रिकवरी एसटीएफ द्वारा मेरे नेतृत्व में की गई थी। मुख्तार की परेशानी ये बढ़ गई कि पोटा कानून के लपेटे में हम बुरी तरह आ गए। बचना मुश्किल है क्योंकि हीनियस क्राइम पे लगता है और इसमें सजा बड़ी लंबी हो गई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शैलेंद्र सिंह, पूर्व डीएसपी, जिन्होंने 20 साल पहले मुख्तार अंसारी की वजह से नौकरी से रिजाइन दे दिया था। सर, कैसे देख रहे हैं इस घड़ी को? सही बात है, जब कल ये सूचना मिली तो मेरे मन में पहले ही आया कि न्याय की जीत होती है, सत्य की जीत होती है और देर होता है लेकिन अंधेर नहीं है ऊपर वाले के घर में। 20 साल ही लगे लेकिन ये निर्णय आया, न्याय हुआ। और जो उसके कर्म थे मुख्तार अंसारी का, बहुतों को उसने प्रताड़ित किया, हत्याएं की, उन लोगों की आहें ली, उन गरीब लोगों की, वही सर चढ़ के बोला जिस साम्राज्य को आपने भय का साम्राज्य, आर्थिक साम्राज्य सब कायम किया, डरा धमका के लोगों से लूट खसोट करके, और जब वो सब नेस्तनाबूत होते देखा इसने योगी जी की सरकार में, तो वो डर इसके अंदर बैठ गया कि मैं अब सुरक्षित नहीं हूँ, मेरा सब कुछ बनाया हुआ नष्ट हो रहा। तो वो डर इतना हावी हो गया कि लास्ट में कार्डियक अरेस्ट से इसकी मौत हुई, जैसा कल हुआ। तो सत्य की जीत होती है और कर्म आपके आपके साथ हैं। अच्छा करोगे अच्छा फल पाओगे, बुरा करोगे बुरा। सर, दर्शकों को बताएं ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आपने नौकरी से रिजाइन दिया था? साथ ही परिवार वाले जांच की मांग कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी भी इसमें आ गई हैं जिन्होंने सवालिया निशान खड़े करे हैं, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो वैसी की पार्टी हो। जी जी, ये बात सही है। आज से 20 साल पहले की बात है जब ये घटना हुई थी। उस समय एक लाइट मशीन गन की रिकवरी एसटीएफ द्वारा मेरे नेतृत्व में की गई थी। ये जनवरी 2004 की बात है, 25 जनवरी 2004। और पोटा कानून उस समय एग्जिस्ट करता था, तो पोटा कानून भी लगा था। मुख्तार की परेशानी ये बढ़ गई कि पोटा कानून के लपेटे में हम बुरी तरह आ गए हैं, बचना मुश्किल है क्योंकि हीनियस क्राइम पे लगता है और इसमें सजा बड़ी लंबी होती है। और उस समय मुलायम सिंह की अल्पमत की सरकार थी जिसको इन लोग सपोर्ट करते थे, तो इन लोगों ने पूरी कोशिश की कि हम अब इससे बरी हो जाएं, लेकिन चूंकि वादी मैं था एफआईआर का, तो मुझको इन लोग झुका नहीं पाए। मुझ पर बहुत दबाव बनाया, सब कुछ किया, लेकिन मैं स्टैंड ले लिया कि नहीं, जो है सही वही होगा। खामियाजा हमारे सीनियर अधिकारियों को भोगना पड़ा, बनारस जोन के आईजी, रेंज के डीआईजी, एसएसपी, एसटीएफ सबको ट्रांसफ़र कर रातों रात हो गया। हमारी यूनिट क्लोज करके बनारस से लखनऊ बुला ली गई। मुझको भी दबाव बनाते रहे, वेलविशर बन के लोग समझाते रहे कि क्यों आप पंगा ले रहे हो, इतना दुर्दांत अपराधी है। एडिशनल एसपी पे गोली चलाया, जेलर को मरवा दिया, तमाम बड़े बड़े लीडरों को उठा लिया। तो सरकार जिसका खुलेआम समर्थन कर रही, क्यों तुम उससे पंगा ले रहे हो, और तुम्हारे परिवार है, तुम्हारा अपने जान की कीमत है, 9 साल की नौकरी है, अभी तुम्हें लंबी लाइफ जीनी है, नौकरी करनी है, तो तुम हट जाओ किनारे, ये सब होता रहता है। तत्कालीन सरकार ने आपसे कहा? हाँ, मतलब सरकार और उनके समर्थित जो हम सरकार के वो अधिकारी क्या बोले, वो तो पार्टी एजेंट की तरह काम करते हैं, कहने के लिए पब्लिक सर्वेंट है। तो मेरे दिमाग में बैठा था कि नहीं, मेरा जमीर इसके लिए तैयार नहीं है। और अंत में 15 दिन का समय लिया डिसीजन लेने में, और 15 दिन बाद 11 फरवरी 2004 को मैंने रिज़ाइन किया। और रेजिग्नेशन में उल्लेख किया ताकि जनता ये जाने, डेमोक्रेसी का समय है, जनता के बीच में ये जाना चाहिए कि जिस सरकार को आपने चुना है वो सरकार किसके फेवर में काम कर रही है, किस तरह काम कर रही है, और उससे आपको क्या लाभ हो रहा। तो मैंने लिखा कि वर्तमान सरकार जो है माफिया के निर्देश पे काम कर रही है, ऐसे में हम जैसे ईमानदार अधिकारी के लिए जो लोक सेवक के रूप में भर्ती हुए हैं, काम करना संभव नहीं है, और मैं स्वेच्छा से त्यागपत्र दे के बाहर जा रहा हूँ। तो ये घटना मैं लाया सबके सामने, पब्लिक ने देखा भी उस समय, लेकिन समय लगता है पब्लिक को भी बदलने में, 20 साल में एक पीढ़ी बदल जाती है, जो उस समय पैदा हुआ आज का वोटर है। और अब सोच ग्लोबल होने के कारण, इंटरनेट के कारण दुनिया देख रही है यूथ, उसको जॉब चाहिए, सब कुछ चाहिए, और उसने सोच भी बदली। सरकारें भी अब देखिए किस तरह काम कर रही हैं, और जो इनके साथ खड़ा है, जैसे आपने कहा लोग जांच की मांग कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी हो चाहे आपकी बहुजन समाज पार्टी हो, इन दोनों पार्टियों ने अपनी सुविधा के अनुसार मुख्तार को यूज़ किया, दोनों ने समय समय पर टिकट दिया अपनी सुविधा के अनुसार। तो इनकी जितनी सोच थी उसके हिसाब से इन्होंने काम किया, प्रदेश के व्यापक हित के लिए नहीं सोचा,
अपने जिस खास वर्ग का वोट पाते हैं उसके हित के लिए नहीं सोचा, और नतीजा क्या हो रहा है, आज सत्ता से बाहर हो गए लोग। और यही सोच बनी रही अगर तो इनको पुनः सत्ता कभी नहीं मिलनी है। जनता के मूड को इन लोग भांप नहीं पा रहे हैं, यही कारण है कि इन लोग बार बार मात खा रहे हैं। तो मैं तो आप लोग के माध्यम से अपील करूंगा, जनता से, इन लोग से तो कुछ कहना बेकार है, कि आप इस तरह के लोगों को इलेक्शन का समय फिर से इनको ठिकाने लगाइए जो इनको प्रश्न दे रहे हैं या इनके साथ खड़े होने का साहस कर रहे हैं। दुस्साहस कर रहे हैं, साहस नहीं, दुस्साहस कर रहे हैं। तो जनता सबक सिखाएगी इनको। पूर्वांचल से आते हैं सर आप, बड़े करीब से आपने देखा है, समझा है, सियासी कुनबा से ज़्यादा वहाँ पर जो उनके यहाँ अमूमन सभी नेता हैं, लेकिन उनका परिवार जो जाना है वो माफियागिरी से जाने लगा, तो क्या आपको लगता है कि उनको, जो उनके परिवार के लोग हैं, उनको पार्टियों से टिकट मिलना चाहिए या नहीं? देखिए, पार्टियों से टिकट की बात नहीं होती है। हम कहते हैं एक परिवार में एक हमारे हाथ में पांच उंगलियां, पांचों बराबर नहीं होते। हम सबको दोषी नहीं कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्तार के माफियागिरी का फ़ायदा इनके लोगों ने उठाया है, और उसका रसूख बना के ही, चाहे आर्थिक लाभ उठाया और चाहे राजनैतिक लाभ उठाया। और मुख्तार के जाने के बाद अब ये सब साम्राज्य ढहना है। जनता भी थोड़ी बहुत खौफ में थी जो, तो उसने देख लिया भैया कि अब इन लोग का समय ख़त्म, इन लोग जा रहे हैं। तो इनका जो आर्थिक साम्राज्य तो ढह ही रहा है, खासकर जो इनका पॉलिटिकल साम्राज्य है वो भी जनता खारिज कर देगी, देर नहीं लगेगी, आप देखते जाइएगा। और जो पार्टियां इनके साथ हैं उनको भी खारिज करेगी जनता। मैंने जो लगातार 20 साल से मैं जनता के बीच में रहता हूँ, काम करता हूँ, किसान के बीच में जाता हूँ, यूथ के बीच में जाता हूँ, RTI पे काम किया, चाहे आज मैं किसानों के बीच में ऑर्गेनिक फार्मिंग पे काम कर रहा हूँ या ग्रीन एनर्जी, तो मैंने ये देखा बात करके कि आम आदमी को क्या चाहिए। तो सबको रोजी रोटी चाहिए। जिस गुजरात में लोग कहते थे कि मोदी को दोबारा तिबारा जीत नहीं मिलेगी, मैं वहाँ गया था तो मुस्लिम लोग कहते थे कि नहीं, हम लोग इनको जिता के भेज देंगे दिल्ली, क्योंकि यहाँ फैक्ट्रियाँ आई, यहाँ रोजगार बढ़े, हम लोग को रोजगार के अवसर मिले, काम कर रहे हैं, तो वो लोग भी सपोर्ट करते हैं इनको। कोई नहीं चाहता कि हमारा बेटा माफिया के साथ घूमे, क्योंकि माफिया पे गोली चली तो वो तो थोड़े ही मरता, मरते तो उनके साथ वाले हैं ना, तो कौन चाहेगा अपने जवान बेटे को इनके साथ भेजना कि गोली खाओ जाके। तो ये किस्से कहानी की बात खत्म, अतीत हो गए मुख्तार, और उनका परिवार भी अब धीरे धीरे खत्म होगा, जो राजनीतिक रसूख बना रखे हैं लोग, जनता खारिज कर देगी, मेरा पूरा अनुमान है। कोई नहीं चाहता कि हमारा बेटा माफिया के साथ घूमे, तो माफियागिरी का जो एक साम्राज्य था वो धीरे धीरे उसका किला ढह रहा है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज 24।